बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, घर में बैठे बोर हो गए, चलो घूमने जाएं लेके राम का नाम। बोलो जय श्री राम। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं दशहरा का बहुत ही खूबसूरत मेला जो कि लगा हुआ है द्वारका सेक्टर 11 में। और ये देखिए, जहाँ भी जाओ वहीं पे खाने के स्टॉल्स और खिलौनों के स्टॉल्स, बस मजा ही आ रहा है इस चीज को देख के। तो मैं तो कम से कम नहीं तो 6 से 8 साल के बाद आ रही होंगी किसी दशहरा मेला में। और ये देखिए, यहाँ पर आपको पुलिस बूथ भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे आके इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खिलौने जब हम छोटे छोटे थे और जब दशहरा मेला में जाते थे तो हम पापा के पीछे पड़ जाते थे कि ये भी खिलौना दे दो, ये भी खिलौना दे दो। और ये देखिए कितने सारे फूड आइटम्स के स्टॉल। हम जल्दी आ गए थे यहाँ पर, तो अभी बहुत ज्यादा ओपन नहीं हुआ है, बट भीड़ बहुत कम है, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए जायंट व्हील, इस पे तो बैठना ही बैठना है। यहाँ से एंट्री है मेल फीमेल के लिए अलग अलग। अरे वाह, 20 रुपए की धमाका सेल, बड़ी सस्ती सेल है। यहाँ से तो मैं बहुत कुछ लेके जाऊंगी। जय माता दी। इतने छुंदो छुंदो खिलौने मेरे को भी लेने हैं, इतने सारे छुंदो छुंदो। अरे वाह बबल्स, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। अब मैं यहाँ जरा बबल पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कुछ कैच हो पाता है कि नहीं। लग तो रहा नहीं कुछ पकड़ में आया। ये बहुत ही सुंदर मूर्तियों की शॉप है, यहाँ पर हर तरह की मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। इस मेले में राइड्स तो भर भर के हैं और बच्चों के लिए तो इतनी राइड हैं कि बच्चे खुश हो जाएंगे यहाँ आके। जो ज्यादातर राइड थी वो 100 रुपए की थी, पर ये जायंट व्हील जो है ये 200 रुपए की है। कुछ राइड्स जो है वो 150 रुपीज की भी थी। और यहाँ पर आप अपने 10 साल तक के अगर आपके बच्चे हैं तो उनको यहाँ पर जाने का अलाउड था। ये वाली राइड भी 200 रुपए की थी। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो ये सब बिल्कुल भी ना देखें, अपनी आंखें कर ले बंद, क्योंकि ये जो अगर आप देखेंगे फिर आपके मुंह में आएगा पानी, फिर आप मुझे बोलेंगे कि अरे ये क्या दिखा दिया, अब हमें तो ये सब खाने का मन हो रहा है। ये यहाँ पे राठौर जी का चाइनीज कॉर्नर है। यहाँ पर आप लकी ड्रॉ के थ्रू बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। खाने की तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें थी कि बस आपको कोई कमी नहीं होगी, आप बोलो और वो चीज यहाँ पर अवेलेबल होगी ही होगी।
एक से एक अच्छी अच्छी राइड्स हैं बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये लीजिए एक और राइड का मजा लीजिए। अब आप आगे के लिए सावधान, कमजोर दिल वाले इसे बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपको डर लगा तो फिर मुझे मत कहिएगा। और जो स्ट्रांग दिल वाले हैं वो इसे देखें, 100 रुपये में टिकट खरीदें, अंदर जाएं और एंजॉय करें। और अगर रात को भूतों के सपने आए तो मुझे मत बोलना, ठीक है। राठौर जी का लिट्टी चोखा और जलेबी का भी स्टॉल है। बड़ी ही मेहनत से बनाई जा रही है यहाँ पर आइसक्रीम और देखने में बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है। खाने का तो यहाँ पे इतना सारा सामान है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी खा लूं सब कुछ। पर सबसे पहले मैं ये सब आपको दिखाऊंगी, फिर आपके मुंह में जब पानी आएगा उसके बाद मैं आपको ललचा ललचा के खाऊंगी। यहाँ के गोलगप्पे हमने खाए थे, ये गोलगप्पे हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी। यहाँ पर आपको अमृतसर का भी स्वाद मिलने वाला है और राजस्थान का भी स्वाद मिलने वाला है। ये देखिए, मारो प्यारो राजस्थान रो स्वाद। मोस्टली जो फूड आइटम्स थे यहाँ पर 100 रुपीज़ के थे एंड 50 रुपीज़ के थे। किस किस को पसंद है कॉटन कैंडी? मुझे तो बहुत पसंद है कॉटन कैंडी, हमने तो खाई भी थी। ऐसे ही नहीं खाई थी हमने कॉटन कैंडी, स्पेशली बनवा के खाई थी, ताजी ताजी एकदम। बासा बासा खाते ही नहीं हम। ये यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की बोट राइड जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। मैंने भैया को पूछा भी था कि भैया आप मुझे बिठा लोगे क्या? भैया ने बोला कि हाँ मैं तो बिठा लूँगा, लेकिन अगर आप डूब गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला अरे कोई बात नहीं भैया, आप चिंता ना करो, मैं अपनी सेफ्टी जैकेट लेके आई हूँ। ऐसा ड्रैगन आप लोगों ने देखा होगा पहले कभी? मुझे तो नहीं लगता देखा होगा। इतना खुश ड्रैगन तो मैंने तो पहली बार देखा है। और लोगों को देखो कितने खुश हो रहे हैं इतने खुश ड्रैगन में बैठ के। पूंछ में इसके आग लग रही है अभी भी। भाई साहब इसको तो देख कितना डर लग रहा है, ये तो ऊपर ही चले जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, रुकी नहीं रही है, रुकी नहीं रही है, आसमान में ही जाके रुकेगी ऐसा लग रहा है। चलो रुकी तो है, अब देखते हैं ये नीचे कैसे आती है। नीचे आए तो घबराना मत। यहाँ पर आकर आप शूटिंग भी कर सकते हैं, ये 100 रुपीज़ के 5 राउंड्स देते हैं आपको। यहाँ पे आके आप होपला रिंग के थ्रू यहाँ पर अच्छे अच्छे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब ये जो स्टॉल है यहाँ मैं जाना तो बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ, पर ये अपने आप ही मैं यहाँ पे खींची चली जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। अच्छा अब ये आइटम देख के तो कोई भी औरत खींची चली आएगी। अब मैं यहाँ से दूर जाने की भी कोशिश कर रही हूँ पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। आइटम ही इतने अच्छे अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं को देखती रहूं। और सारा 100-100 का आइटम है, ये देख लो। कोशिश तो मैं कर रही हूँ पीछे जाने की पर जा नहीं पा रही हूँ, बार बार आगे ही चली जा रही हूँ। चलो मैं पीछे चली गई। हाँ अब यहाँ पे आप डेकोरेटिव आइटम देख लो दिवाली के लिए, बहुत सुंदर सुंदर। Thank you.
अब ये क्या है? अच्छा, ये तो वही 20 रुपए की धमाका सेल है जहाँ से मैं बहुत सारा आइटम लेके जाने वाली थी। ज्वेलरी तो बहुत ही सुंदर सुंदर है यहाँ पर, और लोगों की भीड़ भी ऐसे लगी हुई है जैसे पूछो मत। ये देख लो आप, कितना सुंदर सुंदर आइटम है, वो भी सिर्फ 20 रुपए का। नहीं रे बाबा, मेरे को तो देखने का ही नहीं है बाबा, इतना सुंदर ज्वेलरी मेरे को तो देखने का ही नहीं रे बाबा। ए तू पीछे ले रे, पीछे ले। अरे पकड़ मेरे को रे, मेरा तो कैमरा ही आगे जाए जा रहा है, पकड़ मेरे को। इधर तो मेरे को देखने का ही नहीं है। न, 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 अरे अरे ये क्या कर दिया, अब देखना ही पड़ेगा ना। चलते चलते पैर इतने थक गए हैं। अब ये यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं, एक गाड़ी तो लेनी पड़ेगी क्योंकि पैदल तो अब घर जा नहीं पाएंगे हम लोग। दिवाली के लिए भी यहाँ पर काफी सारे डेकोरेटिव आइटम्स थे और भर भर के थे, और एक से एक बहुत ही सुंदर। अब यहाँ पे आ गए हैं बच्चों के खिलौने का आइटम, मेरे को भी लेना है, मेरे को भी लेना है, मेरे को दिलवा कोई खिलौना। मेरे को ये लाइट वाले पंखे लेने हैं, मेरे को ये लाइट वाले होल्डर भी लेने हैं, और ये गुड़िया भी लेनी है। ये यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे क्रॉकरी आइटम्स हैं, और बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे और बहुत ही ज्यादा कलरफुल। ये वाज आपने काफी सारे देखे होंगे अमेज़न पर। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं जायंट व्हील की राइड लेने। आइए अपनी जान हथेली पर रखकर आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। नीचे का नज़ारा है तो बहुत सुंदर। अब मैं जान हथेली पर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आगे एक द्वार है, पीछे एक द्वार है, और चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, कोई दरवाज़ा नहीं है। और इतना डर लग रहा है ये शूट करने में, फ़ोन बाहर निकला हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा मेरा 2 करोड़ का फ़ोन नीचे गिर जाए। मजाक। आइए तो देखते हैं दिल्ली का फेमस पान। ये पान तो मुझे कम लग रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वीट डिश है, कोई मिठाई है, ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मुंह में तो पानी आ गया होगा देखते ही, लालची लोग। अरे नहीं, फिर से एक राइड। भाई साहब इतनी खुशी हो रही है ना मुझे यहाँ के, इतनी राइड देख देख के इतनी खुशी हो रही है, मजा आ गया। आइए तो थोड़ा सा खा लेते हैं, पर देखो लालच नहीं करना है, ठीक है? मुंह में तो पानी आ रहा होगा पर ललचाना नहीं है, यहाँ पे आके खा लो, ठीक है? ये तो मेरी फेवरेट झूला है, 200 रुपये में और 2 करोड़ का मजा, मजा ही आ गया इसको देख के। अब ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर नजारा है, रात में लाइट ही लाइट और इतना सुंदर। चलिए तो अब रावण को जलाया जा रहा है, देखते हैं। बोलो जय श्री राम। बोलो बैठे क्या हो? अब इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको बिल्कुल जाने का मन कर रहा होगा, तो अगर आपको जाने का मन है तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि अभी ये मेला जो है वो दिवाली तक लगने वाला है। तो जाइए और अच्छी अच्छी राइड और अच्छा अच्छा खाना इंजॉय करिए, और देखते रहिए हमारा चैनल।